सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वही वह बनता है। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकल आता है। आज का पंचांग 22 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, रात्रि 12:30 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 6:56 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:31 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 1:39 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मीन राशि 22 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, यह समय आपके लिए शानदार है। कानूनी मामले आपके पक्ष में हैं। आपको अपने सलाहकार या पिता के साथ विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। आपके आध्यात्मिक विश्वासों का परीक्षण किया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिस धन का आप इंतजार कर रहे हैं वह जल्द ही मिलेगा। रचनात्मक दृष्टिकोण से आज के दिन बेहतरीन रहेगा। अपने प्रियजनों के साथ एक छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। अपने प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। जरूरत है अपने अंदर सकारात्मक सुधार लाने की। आज अचानक कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी। कोई रुका हुआ जमीन जायदाद संबंधित कार्य में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति या मित्र से मुलाकात आपको बहुत अधिक प्रसन्न व प्रफुल्लित करेगी। बड़े काम को पूरा करने की खुशियां मनाई जाएगी। मित्र परिवार के अधिक करीब महसूस होगा। पुराने मित्र के साथ जुड़ने का मौका फिर से प्राप्त होगा। मौज मस्ती और खान पान पर अधिक पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन आज प्राप्त होने वाली खुशियाँ महत्वपूर्ण है, इसलिए पैसों से संबंधित फिलहाल चिंता ना करें तो अच्छा है। कला और मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त होगा। इस कारण प्रतिष्ठित लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। पार्टनर का तनाव पूरी तरह से खत्म हो सकता है। सावधानियाँ। मन में कुछ अनहोनी जैसे आशंका होने से भय रहेगा, लेकिन यह मात्र आपका भ्रम ही है, इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। कभी कभी आपका अधिकार पूर्ण स्वभाव आहत कर देता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंध भी रोमांटिक ही रहेगी। आज लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं और लोगों से मिलें, जिससे आपको खुशी और शांति प्राप्त होगी। मोहब्बत के हिसाब से आज का दिन बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन किसी का साथ इसे अच्छा बना देगा। अपने साथी के लिए कुछ स्पेशल करें। अपने शवन स्पेशल के नज़दीक रहने की अभिलाषा में आज आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। हमदर्दी, मोहब्बत और लगाव, यही तीन शब्द आज आपके दिल की आवाज़ है। इन सब में अपने प्राथमिकताओं को भी याद रखें। आज की मुलाकात आपको जीवन भर याद रहने वाली है। बात करते हैं करियर की। आज आप खुशियों की तलाश में हैं और किसी गुण ज्ञान से आपको प्रशंसा मिलेगी। पिता या अधिकारी आज आपकी मदद कर सकते हैं। आज उन्हें आपकी सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। धन या लेन देन में नुकसान आपके रोजाना के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। आज आप रचनात्मक दृष्टि से उच्च स्तर पर हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट से जुड़ने के भी इच्छुक हैं।
अपने काम की उन्नति के लिए अपने संपर्कों में वृद्धि करें और नए प्लान बनाएं। याद रखें, भीड़ से कुछ अलग करने वाला ही अपनी पहचान बनाता है। आपको उच्च अधिकारियों और अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको अपने कार्य में मन मुताबिक सफलता भी हासिल हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। गैस और एसिडिटी की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त-व्यस्त रहेगी। खान पान में संयम रखें और कुछ समय योग में भी व्यतीत करें। लिक्विड डाइट पर जोर देना होगा। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।